कमाना चाहते हैं आप लाखों करोड़ों, परंतु बस आप चाहते हैं, कमाते नहीं हैं। सपने बड़े बड़े आप देख रहे हैं, परंतु उन सपनों को, उन ख्वाबों को किस राह पर चलकर पूरा करना है आपको मालूम ही नहीं। आप जिन लोगों के संपर्क में हैं, जो कार्य अभी कर रहे हैं, बस उससे गुजारा चल रहा है आपका। रोजी रोटी तो चल जाती है आपकी, जीवन में आप खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, दो मुट्ठी खर्च कर रहे हैं, परंतु दो मुट्ठी बचा नहीं पा रहे हैं। तब समझो आपने कुछ नहीं किया। यदि दो मुट्ठी आप खर्च कर रहे हैं और चार मुट्ठी बचा रहे हैं, तभी जीवन में आप सफल हो पाएंगे, अर्थात जब आर्थिक तंगी दूर होगी आपकी। लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं आप, क्योंकि जो करोड़ों इस वक्त कमा रहे हैं उसके पास भी बिल्कुल आप ही के जैसा एक दिमाग, दो हाथ और 24 घंटे हैं। फिर क्या गुण है उसमें कि वो अपने उसी एक दिन में करोड़ों कमा रहा है और आप बस चंद रुपए। किसे धन नहीं चाहिए? गरीब को गरीबी से निकलनी है, अमीर को और अधिक अमीर बनना है, और जो करोड़पति हैं उन्हें और आगे जाना है, नंबर वन पोजीशन चाहिए। फिर क्या होते हैं गुण इन लोगों में कि यह अपने सपनों को आसानी से पूरा कर पाते हैं, और आप अपने जीवन में संपूर्ण जीवन परिश्रम ही करते रह जाते हैं और दो मुट्ठी धन भी नहीं हासिल कर पाते। कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, कुंडली में भी कुछ ऐसे योग होते हैं, हथेली में भी राजयोग होते हैं। एक सामान्य से मिडिल क्लास फैमिली में भी जन्मा बच्चा एक दिन करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है। तो खैर, आज भाग्य की बात नहीं करूंगी, हाथ की रेखाओं की बात नहीं करूंगी। यदि कुंडली में आपका कोई ऐसा कारक ग्रह बहुत एक्टिव है, तो उसके माध्यम से भी आप बहुत धनी होते हैं। परंतु आप क्या करें, ना आपके हाथ में कोई राज रेखा है, ना ही आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी लग गई है हाथ। तब क्या करें? तब करेंगे ज्योतिष उपाय, कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिसकी जानकारी नहीं है आपको, इसलिए सरल से छोटे से उपाय से आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत। यदि आपकी कोई छोटी सी दुकान है, आप उससे बस चंद रुपए कमाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ आप उसी छोटी सी दुकान से करोड़पति बन सकते हैं। अद्भुत है ना, चमत्कारिक है ना, बस थोड़ी सी जानकारी और आपका भाग्य स्वयं आप बदलेंगे अपने हाथों से। यदि आप कोई बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, कोई योजना बनाते हैं, परंतु उसके लिए आपके पास पूंजी कम है भी तो आपके मन में ये डर है कि कहीं ये भी पूंजी डूब ना जाए, तो प्रथम यह उपाय कर ले और उसके बाद इस योजना पर कार्य करें। इतने सफल होंगे आपके पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे कि इतना धन कहाँ से आ रहा है इसके पास। आप अपने छोटे से स्रोत से इतना धन कमा सकते हैं, कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जो लोग आपसे पैसे लेकर गए हैं और मुकर जा रहे हैं देने में, शत्रु बन बैठे हैं वो आपके। बुरे समय में आपने तो अपना धन देकर उसकी मदद कर दी थी, परंतु अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं तो आपको भूल गया। यदि यह अवस्था से भी आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, किसी ने हमारा धन ले लिया है, दे नहीं रहा, तो चलिए यह उपाय उन सब के लिए। कहीं से भी आपके पास धन आएगा और आता रहेगा। कोई भी चीज यदि होती रहे लगातार, तब वह परिपूर्ण कर देती है आपको। एक बार इकट्ठे एक साथ धन कहीं से आ जाए, फिर कहीं से ना आए, तो वह धन भी खर्च हो जाता है। परंतु यदि धन आ रहा हो और बस आता ही जा रहा हो, तो अपार धन की वर्षा होती है। कर्ज से मुक्त हो सकते हैं आप, सारा धन जो आपने किसी को दिया था वह सब धन आपके पास वापस आ जाएगा। तो चलिए, बनाती हूँ आपको करोड़पति, देती हूँ एक छोटा सा ज्योतिष उपाय जिससे आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। यदि आपने अपने सपनों का घर बनाने का सोचा है, आपके बच्चे विदेश नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए केवल धन के अभाव में, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऊपर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यह दिव्य चमत्कारिक प्रयोग आपको आपके जीवन में एक कदम आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखें। यानी कोई बाधा हो, कोई समस्या हो, तो मेरे साथ अवश्य शेयर करें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, जो प्रयत्न कर रही हूँ आपके लिए, वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक, वह प्रयत्न सीधे पहुंचे आप तक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।
क्या करना है आपको, कौन सा मंत्र है और किन चीजों का प्रयोग करना है अच्छे से सरलता से जान ले। छोटे छोटे से दो कागज के टुकड़े ले। दिन कौन सा, किसी भी अन्य दिन ना करे, केवल और केवल शनिवार को करे। आज शनि ग्रह पर क्यों काम कर रही हो? शनि वह कारक ग्रह होता है जो धन से संबंधी कष्ट देने लगता है आपको। कर्ज में डूब जाता है आपका जीवन, कोई धन चोरी करके आपके घर से चला जाता है, अचानक से चोरी हो जाती है आपके घर, या कोई आपसे धन लेकर जाता है और देने से मुकर रहा है। यह सबका कारक ग्रह शनि होता है, तो आज काम शनि पर करना है। तो छोटे छोटे से कागज के टुकड़े ले ले, सफेद कागज का टुकड़ा। दोनों कागज के टुकड़े पर एक एक चुटकी नमक डाल दे, लेकिन नमक आपकी रसोई घर में से ले, जिससे रोज भोजन पक रहा हो बस वही नमक आप एक एक चुटकी ले ले, जो आप खा रहे हो नित्य। इसे मोड़कर बंद कर ले, कुछ ना लिखे इसमें, कुछ और ना करे, इसे मोड़कर बंद कर ले। दिन शनिवार का हो, आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना आपको, झूठ नहीं बोलना और काला कपड़ा बिल्कुल ही नहीं पहनना, इस बात का ध्यान रखिए। जल ले ले, बहुत बड़े पात्र में जल ले ले, किसी बाल्टी में ले ले या किसी बहुत बड़े मुंह वाले पात्र में जल ले ले। इस जल में तीन चुटकी नमक डाले, लेकिन तीनों बार एक मंत्र कहें, ओम श्रेया श्रेया क्रीम क्रीम नमः, ये कहकर तीन चुटकी नमक तीन बार मंत्र बोलकर डाल दे। अपने दाहिने हाथ में एक कागज के टुकड़े को मोड़ ले, अपने बाएं हाथ में एक कागज के टुकड़े को मोड़ ले, आंखें बंद करें। आज आपको सकारात्मक रहना है। शनि को जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, आपको जितना निर्धन और गरीब बनाना था बना लिया, अब आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है। आंखें बंद करें और कुछ अच्छा सोचिए। बहुत सारा धन आ गया है आपके पास, आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी, आपके बच्चे विदेश पढ़ने को जा रहे हैं, आपने अपने सपनों का घर बना लिया, आपके घर के बाहर एक महंगी लग्जरी कार खड़ी है, अर्थात प्रॉस्पेरिटी को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करें। अच्छा सोचे, केवल अच्छा। आप रो रहे हैं, आप गरीब हैं, धन नहीं है, कर्ज है, ये सब बिल्कुल ना सोचें, सकारात्मक चीजें सोचें। ऐसा सोचते ही आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी। अपने दोनों मुट्ठी को इस जल में डाल दे, नमक वाले जो जल है डाल दे। ओम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम, इस मंत्र का 41 बार जप करें, 41 टाइम्स। जप करने के बाद ये जो दो पुड़िए और नमक है आपके हाथ में, इसे मसल दे इसी जल में, बाहर ना निकाले। बिल्कुल खत्म कर दिया मैंने अपनी सारी समस्याओं को, अपने कर्ज को, अपनी निर्धनता को, अपने दुर्भाग्य को मैंने खत्म कर दिया। नमक का जो पानी होता है वो नेगेटिविटी खींचने में, अवशोषित करने में बहुत कारगर होता है। शनिवार को नमक के पानी से घर को पोछा भी लगाना चाहिए। आपने नमक से धो लिए अपने हाथ, उस पुड़िए में अपने सारी अपने निर्धनता गरीबी और दुर्भाग्य को बहा दिया, ऐसा मन में सोचे। आज से कोई समस्या नहीं आपको। इस पात्र को जो जल आपने भरा था, एकदम अपने घर के बाहर लेकर जाए और घर से थोड़ी दूर चले जाए, 10 कदम 20 कदम दूर चले जाए और इस जल को फेंक दे। अब घर आ जाए, संभव हो तो हाथ पांव धो ले और संभव हो तो स्नान कर ले, वो कपड़े बदल ले जिस कपड़े को पहनकर आपने इस उपाय को किया था। और आज से यह सोच ले, अपनी सोच को सकारात्मक कर ले कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, मेरे पास अपार धन आएगा, मैं कर्ज से मुक्त हो सकूंगा और मैं अपने सपनों को अवश्य पूरा करूंगा। ऐसे सोचने मात्र से 24 घंटे के अंदर सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। चमत्कार जो हो रहा है, जो अनुभव कर रहे हैं आप, मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।